हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन सुपर फूड के बारे में, और ये एक वेजिटेबल है। यस, यू वोंट बिलीव, ये वेजिटेबल है, इंडियन सुपर फूड है, पावर हाउस ऑफ लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड ये हमारे डाइट में होना ज़रूरी है, एंड ये इजीली अवेलेबल ऐसी वेजिटेबल है। यस, तो हम बात करने वाले हैं आज एमरिंथ लीव्स के बारे में, जिसे चौलाई कहते हैं हिंदी में एंड मराठी में माठ कहते हैं। ये तीन कलर में आता है, यूजुअली ग्रीन, रेड एंड पर्पल उसके पत्ते रहते हैं, एंड ये स्पिनच फैमिली की वेजिटेबल है। सो दिखते समय ये पालक जैसी ही दिखती है, बट पावर हाउस ऑफ वेरियस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड हेंस इट इज़ वेरी हेल्दी, एंड इसे रेगुलरली इंक्लूड करना ज़रूरी है टू गेट लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो ऐसा क्या है इसमें, एमरिंथ लीव्स आर वेरी लो इन कैलोरी, 100 ग्राम्स में हार्डली 20 कैलोरीज मिलते हैं। इट इज़ एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ऐसे सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। एंड आयरन एंड विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होने के कारण ये अनेमिक लोग जो है, या जिनको अनेमिया है, इसकी रिस्क या उसका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है, ये कम करने के लिए हेल्प करते हैं। आयरन ब्लड सेल्स फॉर्म करने के लिए, न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, एंड आयरन का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है अगर हम विटामिन सी अलॉन्ग विथ आयरन इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो विथ दिस कॉम्बिनेशन, आयरन एंड विटामिन सी, हीमोग्लोबिन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है। ये इजी टू डाइजेस्ट है, सो ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज है, लाइक डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये वेजिटेबल इंक्लूड करना ज़रूरी है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, सो हाई फाइबर होने के कारण वेट लॉस के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड वेजिटेबल। अलॉन्ग विद दैट, ये आपका मोशंस क्लियर करने के लिए, मतलब पेट साफ करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है। सो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, हाई पोटेशियम कंटेंट होने के कारण ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु जिनको हाइपरटेंशन है। इट इज़ वेरी गुड फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, सो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने के लिए, स्पेशली LDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए ये हेल्प करता है। एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स, बिकॉज फाइबर कंटेंट हाई है, सो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। सो दिस इज़ वेरी गुड हेल्दी वेजिटेबल जो हम रेगुलर बेसिस पे हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड रेगुलरली अगर हम इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हम कैसे इसे इंक्लूड कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये वेजिटेबल जो है, ये वर्सेटाइल भी है इन नेचर, सो हेल्दी है, तो आप इसको सैलड्स में, इसके जो मैच्योर लीव्स रहते हैं, यंग लीव्स रहते हैं, रादर नॉट मैच्योर, यंग लीव्स है, इसे आप सैलड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसका वेजिटेबल बना सकते हैं, सूप्स में ऐड कर सकते हैं, पराठे में ऐड कर सकते हैं, सो रोटी में ऐड कर सकते हैं, आप राइस में ऐड कर सकते हैं, इसका खाने का टेस्ट एनहांस कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऑल्सो ये वेजिटेबल जो है, विटामिन सी रिच होने के कारण हाई इन एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ऑक्सीडेंट्स लेवल ज़्यादा होने के कारण ये इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हेल्प करती है, वुंड हीलिंग के लिए भी एक अच्छा वेजिटेबल है। एट द सेम टाइम इसमें विटामिन ए कंटेंट काफ़ी हाई है, सो इट इज़ गुड फॉर स्किन एंड योर गुड विजन। सो ये बहुत सारे इसके जो बेनिफिट्स है, ये आपको मिलेंगे अगर आप इसे रेगुलरली ऐड करेंगे। सो डू इंक्लूड दिस वेजिटेबल इन योर डाइट इन वेरियस वे, जैसे अभी मैंने बताया। टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।